COVID-19 के हवाले से कुछ बात करनी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो सेकंड स्पेल है ये COVID-19 का, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जो है वो अनाउंस किया है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मीरपुर में जितनी भी OPDs हैं वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो ओपन है और यहाँ पे रेगुलरली पेशेंट्स के डायलिसिस हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, जितना भी वार्ड बॉयज़ हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि कोई उन लोगों ने डिस्टेंस नहीं रखा है, वो डायरेक्ट जो है वो उन लोगों का इंट्रैक्शन है पेशेंट्स के साथ, वो उनको ट्रीट करते हैं, अटैच करते हैं या रिमूव कुछ भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही हम लोगों के लिए प्राइड की बात है। हमारे पास ऐसा स्टाफ मौजूद है कि जो बहुत सेल्फलेसली काम कर रहा है। मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, बल्कि हम सबके दिल से दुआएं निकलती हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद खौफजदा हूँ बहुत ज़्यादा इस COVID-19 में, मैं आप लोगों को वेरी ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन ये लोग बहुत सेल्फलेसली काम करते हैं, हर तरह का पेशेंट डील करते हैं, और PPCO को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और ये सब आप लोगों के लिए ही है। एक मैंने रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि जब आप डायलिसिस सेंटर आएँ तो प्लीज़ एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट आए और SOPs को फॉलो करते हुए आइएगा, और ये सब आप लोगों की बेहतरी के लिए ही है। बाहर भी, घर में भी, अब कहीं भी हैं तो इन मरीज़ों का ख्याल रखिए, SOPs को वहाँ भी उनको फॉलो किया जाए। यहाँ पे हम लोगों ने दिन में 2 दफ़ा स्प्रे किया जा रहा है डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज़र रखे गए हैं पेशेंट्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, ताकि इन लोगों को हम लोग सेव रख सकें इस COVID-19 से। जो कुछ किया जा सकता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इन पेशेंट्स की, यहाँ पे वो सब कुछ किया जा रहा है, सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें जो है इस बीमारी से महफूज रखे, हमारे मरीज़ों को और हमें भी। आखिर में मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोगों का बजट बढ़ चुका है, क्योंकि इस COVID-19 की वजह से हमें स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सदकात या सदकात दें तो प्लीज़ हमारे सेंटर को याद रखिएगा, और जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं सेंटर की वो कीजिए सदकात की सूरत में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।